हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ प्रियंका सो so दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डाबर की कैस्टर्ड ऑयल की रिव्यू एंड दोस्तों ये जो कैस्टर्ड ऑयल है ये मेरा सेकेंड बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ डाबर की तरफ से एंड दोस्तों इसका जो प्राइस लिया है वो है सिक्सटी टू रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा तो अफोर्डेबल है एंड ये इसका छोटा पैकेजिंग ही है क्योंकि इसमें बड़ा पैकेजिंग भी आता है एंड मेरा इतना सा ही हो जाता है तो मैं इसकी छोटी छोटी पैकेजिंग ही मैं इसकी लेती हूं एंड ये इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ ये आता है दोस्तों आप देख सकते हैं लाल कलर का इसका पैकेजिंग है एंड ये कोल्ड प्रेस्ड हंड्रेड परसेंट प्योर ये ऑयल है कैस्टर्ड ऑयल एंड डाबर का यहाँ पे लिखा भी हुआ है डाबर एंड दोस्तों ये जो कैस्टर्ड ऑयल आपकी क्या क्या काम कर सकता है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी सो कैस्टर्ड ऑयल जो होते हैं वो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आपकी हेयर प्रॉब्लम हो रही है अगर आपकी हेयर जो है वो बहुत ज्यादा फॉल हो रहे हैं तो आप कैस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें एंड आप अपनी आईब्रो में भी कैस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आई लैश बढ़ाने के लिए भी कैस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड डाबर एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है एंड ये बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं जैसे कि डाबर हनी ऑयल बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट ये निकालते हैं जो कि आ, हमारी स्किन एंड बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड दोस्तों ये जो कैस्टर्ड ऑयल है इसमें लिखा हुआ है सो so, मैंने इसे पढ़ लिया था तो मैं आपको बता सकती हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि इस ये जो प्रोडक्ट है ये चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे भी इसे यूज़ कर सकते हैं इसे बड़े भी यूज़ कर सकते हैं बुजुर्ग लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा आपकी आ, बालों के लिए बेनिफिशियल है एंड दोस्तों ये जो ऑयल है इसे लिखा हुआ है इसमें कि आप इस ऑयल को गर्म दूध में भी डाल के पी सकते हो वो दूध ठीक है इसमें यहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है एंड मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं किया है सो so मैं आपको बता नहीं सकती इसके बारे में मैंने बस इसे अपने बालों में ही अप्लाई किया है सो so आप अगर चाहते हैं तो आप इसे दूध में मिला के पी भी सकते हैं एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने नहीं पिया है सो so मैं आपको इस बात से सजेस्ट नहीं करूँगी एंड कस्टर्ड ऑयल जो है वो एंड ऑयल बेसिकली आप खा ही सकते हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ऑयल खाने के लिए ही होता है सो so, दोस्तों इसका जो एम एल क्वान्टिटी है वो है फिफ्टी एम एल इसका क्वान्टिटी है ठीक है एंड इसे आप इतना ही एंड इसका जो बॉटल है ये कुछ इस टाइप का इसका बॉटल है एंड ये कांच की नहीं सॉरी ये प्लास्टिक का बॉटल है ये कांच की बॉटल नहीं है ये प्लास्टिक बॉटल है एंड इसका जो कैप है ये आ, कुछ गोल्डन कलर में है एंड यहाँ पे डाबर का साइन आपको दिख जाएगा ये है डाबर का साइन यहाँ पे डाबर लिखा भी हुआ है एंड ये कुछ इस टाइप का इसका आ, मतलब ये ओपन होता है दोस्तों एंड दोस्तों ये हंड्रेड परसेंट प्योर कस्टर्ड ऑयल है ठीक है एंड कस्टर्ड ऑयल में आपको उतना ज़्यादा कोई फ्रेग्रेंस uh, नहीं मिलेगा एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस आपको इसमें मिलेगा एंड uh, मैं आपको इसे uh, थोड़ा सा हाथ में लगा के दिखाती हूँ एंड and... मैं आपको इसे सजेस्ट करूंगी कि आप इसे आ, कोई सा भी और दूसरा ऑयल के साथ आप इसे मिक्सड करके अप्लाई कीजिए अपने बालों में एंड अभी बहुत ज़्यादा विंटर आ गया है तो आपकी जो बाल है वो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे ड्राई होंगे एंड इसी वजह से आप कोकोनट ऑयल के साथ कैस्टर्ड ऑयल मिक्स करके बादाम ऑयल मिक्सड करके आप अपने बालों का मसाज कीजिए एंड उसके बाद आप एक शैम्पू से अपने बालों को जो है आप धो सकते हो एंड आपको किसी भी ब्रांड की कस्टर्ड ऑयल मिल जाएंगे मार्केट में एंड आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं एंड कस्टर्ड ऑयल जो होते हैं वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप आपकी अगर बाल टूट रहे हैं सामने से बाल अगर आपका निकल रहे हैं तो आप अगर कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत दिन आपकी जो बाल है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ, होगा ज़रूर सब कुछ ठीक एंड आपकी बालों की गिरना भी कम हो जाएंगे एंड अगर आपकी बालों की बहुत ज़्यादा समस्या है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डॉक्टर के साथ जरूर विज़िट करें दोस्तों एंड मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हैंड्स वाचेज़ भी दिखाती हूँ एंड इसका जो ऑयल है आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी के साथ आता है उतना ज़्यादा रनी नहीं है अगर मैं आपको इसे दिखा सकती कैमरा के पास ला तो आप आ, मतलब देख देख पाते कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा ऑयल है एकदम लग रहा है कि मैंने कोई हनी को टच कर लिया है जैसे कि हनी का आ, मतलब हनी अगर हम लोग टच करते हैं जैसा न, फ़ील आता है चिपचिपा वाला वैसा ही इसका फ़ील आ रहा है दोस्तों एकदम हनी का जैसा इसका फ़ील आ रहा है सो so, ये इतना ज़्यादा गाढ़ा इसका आ, मतलब टेक्सचर है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ एंड इसे आप आ, एवरी डे मतलब नाइट को आप थोड़ा सा क्यू टिप की मदद से अपनी आईब्रो में भी लगा सकते हैं अगर आपकी आईब्रो का ग्रोथ नहीं है अगर आपकी आई का ग्रोथ नहीं है तो आप इसे लगा के आप आ, सो सकते हैं इससे क्या होगा आप आपकी जो आईब्रो की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी आई की ग्रोथ भी अच्छे होंगे एंड आपकी बाल भी अच्छे होंगे दोस्तों एंड अगर आपने कैस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं किया है तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए एंड आप डाबर का यूज़ कर सकते हैं डाबर एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है एंड मैं आपको डाबर का ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑयल है एंड ये जो ऑयल है इसे आप सिंगल यूज़ नहीं कर सकते इसके साथ आपको कोई ना कोई ऑयल मिक्सड करना पड़ेगा एंड इसका वन ढक्कन आप ले लीजिए उस ऑयल में मिक्स कर लीजिए एंड देन आप इसे मसाज कीजिए ठीक है एंड ज्यादा देर आपको इसे स्कैल्प पे मसाज करना है इससे क्या होगा स्कैल्प से आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो इंस्टेंट होगी एंड इसमें और तो कोई चीज़ लिखा नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है सो so, आप इसे इजीली अफोर्ड कर भी सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका गाढ़ा टेक्सचर है एंड और एक बात कस्टर्ड ऑयल जो होते हैं वो आप अपनी स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन स्किन की जो हेयर होते हैं वो थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है ग्रोथ का तो ये थोड़ा सा बच के यूज़ करना क्योंकि कभी कभार स्किन भी आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो ड्राई स्किन वालों के लिए कस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एंड वो इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक है इससे क्या होगा आपकी ड्राई स्किन की समस्या जो है वो भी धीरे धीरे कम होंगे एंड सो या एंड इसे आप स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों सो so, एंड इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है एंड मेल फीमेल दोनों uh, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो so, मुझे तो आपको बस इतना ही कहना था एंड uh, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है बस एंड आप इसे डेफिनेटली खरीद के एक बार आप इसे ट्राई कीजिए अगर आपकी बालों की प्रॉब्लम हो रही है तो एंड अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर से विजिट करें दोस्तों एंड मैं एक दिन आपको ऑयलिंग की वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी बालों को ऑयलिंग करती हूँ एंड उस पर ये कस्टर्ड ऑयल भी मैं ज़रूर मिक्स करके आपको दिखाऊंगी ठीक है तो ओवरऑल मेरी आज की ये वीडियो बस इतना ही है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को एंड आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ईजिली पहुँच सके एंड या yeah, एंड हाँ और एक बात कस्टर्ड ऑयल जो है वो आपकी नेल्स के लिए भी अच्छे होते हैं जी हाँ अगर आप इसे नेल्स पे भी थोड़ा सा लगाते हैं ना तो नेल्स की ग्रोथ भी बढ़ते हैं दोस्तों सो तो कस्टर्ड ऑयल को आप अपनी नेल्स के ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये तो मैं बताना आपको भूल ही गई थी क्योंकि मैं अपनी नेल्स का आ, उतना ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो अगर आपको नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है नेल्स को बढ़ाना अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा आपकी नेल्स बहुत तुरंत बढ़ जाएंगे ठीक है सो so, बस इतना ही मुझे कहना था एंड सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा दोस्तों एंड मैं मिल तो आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों बाय